इस खबर के प्रायोजक हैं ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज मऊरानीपुर, क्षेत्र का सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान। झांसी के हाईवे पर बने कई ढाबों पर अवैध तरीके से शराब पिलाई जा रही है, लेकिन पुलिस सबको जानकर भी अनजान बनी है। सूत्रों की मानो तो होटल संचालक पुलिस की मिलीभगत से ही ढाबों पर शराब पिलाने की हिम्मत दिखा पाते हैं। तस्वीरें शिवपुरी ग्वालियर हाईवे पर बने एक ढाबे की हैं, जहां बिना लाइसेंस के ढाबों में बियर बार सजे हुए हैं। शिवपुरी थाना क्षेत्र में स्थित ढाबे में लोग अपनी शाम की थकान मिटाने के लिए आते हैं और शाम होते ही होटल के पीछे बने मैदान में सजी टेबलों पर जाम से जाम टकराने लगते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस के सिपाही भी होटल पहुँचते हैं, जो सब कुछ देख कर भी अनजान बन जाते हैं। लेकिन जब होटल संचालक द्वारा पुलिस को सम्मान सहित कुछ उपहार मिल जाता है तो वह भी खुशी खुशी वापस निकल जाते हैं। कभी कभी शराब पीते लोग यहाँ उपद्रव भी करते देखे जाते हैं, लेकिन पुलिस को इन बातों से कोई लेना देना नहीं। आपको बता दें कि शराब पिलाने के लिए बार का लाइसेंस जरूरी होता है, लेकिन झांसी में सब कुछ जायज है, क्योंकि योगी की पुलिस इन सारे अवैध धंधों से बड़ी कमाई कर रही है। फिर बात चाहे कच्ची शराब की बिक्री की हो या ढाबों पर चल रहे मिनी बारों की, पुलिस हमेशा चुप्पी साध जाती है। देखने वाली बात होगी कि उच्चाधिकारी नींद से कब जागेंगे। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। With moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Gramoday International College, Jhansi Road, Mauranipur.